साल 2015 में सिद्धरामैया की क़ियादत वाली हुकूमत ने कर्नाटक में मुख्तलिफ ज़ातों के समाजी और इक्तिसादी हालात का जायज़ा लेने के लिए ज़ातों की बुनियाद पर मर्दमशुमारी यानी सेंसस करवाया था, जिसकी हतमी रिपोर्ट उसी साल हुकूमत के हवाले कर दी गई थी। मगर तश्वीशनाक पहलू यह है कि 8 साल गुजरने के बावजूद कर्नाटक में कैस्ट सेंसस को मंजर आम पर नहीं लाया गया, ना ही इस रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल करने के लिए पहल की गई है। 1935 के बाद कर्नाटक में पहली दफ़ा 2015 में कैस्ट सेंसस का इनेकाद किया गया था। इस सेंसस के दौरान 1,35,00,000 ख़ानदानों का जायज़ा लिया गया, जिसके लिए करीब 1,00,000 सरकारी मुलाजमीन को इस काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी गई थी। बैकवर्ड क्लास कमीशन की जानिब से इस सेंसस को अंजाम दिया गया था और इस सेंसस की सरबराही की कमीशन कांतराजू ने अंजाम दी थी। कांग्रेस हुकूमत की तरफ से करवाए गए इस सेंसस के लिए करीब 168 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। रियासत में 80 साल बाद ज़ियातों की बुनियाद पर करवाए जाने वाले इस सेंसस के बाद ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटीज में इस बात की उम्मीद जागी थी कि हुकूमत इस सेंसस के बाद इनकी फलाह व बहबूदी के लिए काम करेगी। मगर 2018 में इंतखाबात के पेश नज़र उस वक्त के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने इस रिपोर्ट को पेश करने से गुरेज किया था। सिद्धरामैया ये सोच रहे थे कि इस रिपोर्ट के मुनफी असरात इनके इलेक्शन पर ना पड़ें। 2018 और 2019 के दरमियान जब रियासत में मखलूत हुकूमत कायम हुई थी, उस दौरान भी कैस्ट सेंसस की रिपोर्ट जारी नहीं की गई थी। अब 2023 में सिद्धरामैया की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत फिर एक मरतबा इख्तदार में है, बावजूद इसके इस सेंसस रिपोर्ट पर किसी भी तरह का बयान अब तक जारी नहीं हुआ। रियासत में कैस्ट सेंसस के जारी ना होने की वजह से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के हकूक को सही तरीके से जारी करने में दुश्वारियां हो रही हैं। ख़ास तौर से अकलियतों, जिसमें सबसे बड़ी अकलियत मुसलमानों की है, उन्हें इसका खमियाजा उठाना पड़ रहा है। अगर इस दफ़ा भी हुकूमत कैस्ट बेस सेंसस के मुताबिक पेश की जाने वाली सिफारिशात को अमली जामा नहीं पहनाती है, तो इसका नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी जानिब जस्टिस सच्चर कमेटी की सिफारिशात भी कर्नाटक में अब भी पूरी तरह से नाफिज नहीं हुई हैं। रियासत में माइनॉरिटीज़ को एजुकेशनल रिजर्वेशन में इजाफा, रोज़गार में रिजर्वेशन, सोशियो इकोनॉमिक रेट्स जैसे मामलों में अब भी रियासती हुकूमत पूरी तरह से अकलियतों को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकी है। इस सिलसिले में रियासत के खदावर लीडरान, समाजी कारकुनान, अवामी नुमाइंदे और दीगर फलाही तंजीमें तवज्जो नहीं देते हैं, तो इसका खमियाजा अकलियतों को उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।